नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने स्टूडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कि जियो एयर फाइबर को रिचार्ज कैसे किया जाता है और हम यूज करने वाले हैं आई मोबाइल एप्लीकेशन। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपके जियो एयर फाइबर का नंबर और उसके सामने यहाँ पर आपको यूजेस दिखाई देगा और नीचे लिखा है पे इन एडवांस, व्यू बिल, जियो केयर एंड मोर। तो जैसे ही आप मोर के ऊपर जाएंगे यहाँ पर आपको माई प्लान दिखाई देगा, तो आपको माई प्लान के ऊपर चले जाना है। अब यहाँ पर देखिए आपने जो प्लान ले रखा है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, नीचे लिखा हुआ है चेंज प्लान। अब यहाँ पर आपको 30 Mbps के दो प्लान दिखाई दे रहे हैं, 599x12। तो यहाँ पर आपको 12 महीने की वैलिडिटी मिलेगी, 1000 GB डेटा मिलेगा 30 Mbps की स्पीड से और 10 आपको OTT मिलेंगे। और नीचे जो हैं वो 888 वाला है, 12 मंथ मिलेंगे इसमें भी, लेकिन इसमें OTT 12 मिलेंगे। और थोड़ा सा अगर मैं नीचे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर 100 Mbps के दो प्लान हैं, 899x12, यहाँ पर 10 OTT मिलेंगे और 1199x12 तो यहाँ पर आपको 13 OTT मिलेंगे। बस आपको यहाँ पर स्पीड का फर्क दिखाई देगा। अगर आप नीचे वाला प्लान लेते हैं तो 100 Mbps की स्पीड मिलेगी और अगर आप ये वाले प्लान लेते हैं तो आपको 30 Mbps की स्पीड मिलेगी। अभी आपका सेमी एनुअल भी है, ये 6 महीने के प्लान है, सेम उसी तरह से ये 30 Mbps की स्पीड वाले हैं और नीचे 100 Mbps की स्पीड वाले हैं। यहाँ पर क्वार्टरली मतलब 3 महीने के प्लान हैं, वो भी 100 Mbps और नीचे 30 Mbps के हैं। और मंथली रिचार्ज भी हैं, अगर आप 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का नहीं करवाना चाहते, सिर्फ 1 महीने का कराना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। 599 में आपको 10 OTT मिलेंगे और 30 Mbps स्पीड मिलेगी, उसके साथ ही 888 में आपको 12 OTT मिलेंगे और आपको 30 Mbps की स्पीड मिलेगी। अगर आप 100 के साथ जाना चाहते हैं तो आपको 899 रुपये देने पड़ेंगे 1 महीने के और आपको 10 OTT मिलेंगे, और 1199 देना चाहते हैं तो 13 OTT मिलेंगे और आपको 100 Mbps की स्पीड मिलेगी। ये जो 13 OTT मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आपको Amazon Prime भी मिल जाएगा। सारे के सारे जो आप 13 OTT वाली लेंगे, ये सारे जो हैं उनके अंदर आपको Amazon Prime मिलता है। अब जो मंथली हैं, अगर आप 599 का रिचार्ज करना चाहते हैं, जो भी रिचार्ज करना चाहते हैं उसके नीचे आपको बाय लिखा हुआ दिखाई देगा, तो आप इसको बाय करें। तो दोस्तों यहां पर आप सी ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको आई मोबाइल पे दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे पे वाया आई मोबाइल, तो ये आपको रिडायरेक्ट कर लेगा अपने ऐप में। अगर रिडायरेक्ट नहीं करता है तो यहाँ पर ऊपर आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा, आप उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो भी आप इस एप्लीकेशन पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप कंफर्म पेमेंट करें और यहाँ पर आपको अपना पिन डालना है और आपका रिचार्ज हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल मैं रिचार्ज करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरे 3 महीने का रिचार्ज पड़ा हुआ है, मुझे सिर्फ आपको कैसे रिचार्ज करते हैं ये दिखाना था। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और जियो फाइबर से जुड़ा कोई प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।